आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहं आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। देखिएगा बहुत सारे जैन आराधक साधक आत्माओं ने वर्षितप किया है और सबके मन में ललक होती ही है कि वर्षितप का पारना हस्तिनापुर में करेंगे या फिर पालीताना में करेंगे। यदि इन दोनों स्थानों में से हम किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे तो जहां कहीं पर भी देवाधिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिमा होगी वहां पर जाएंगे। सबसे पहले परमात्मा को इक्षु रस से हम पारणा करवाएंगे, हम परमात्मा का अभिषेक इक्षु रस से करेंगे और उसके बाद में हम स्वयं इक्षु रस ग्रहण करके वर्षित तप के पारने की जो एक रस्म है उसको पूर्णतया निभाएंगे। आप लोगों से कहना चाहता हूं कोरोना के प्रकोप के कारण से आप लोग पालीताना या हस्तिनापुर या अन्य किसी स्थान पर पहुंच पाए या न पहुंच पाए, परंतु ये जो दो आकार हैं इसकी जरूर कल्पना करके ही पारना करें। यह जो दोनों आकार हैं, आप परमात्मा हैं जिनको कि हम श्री ऋषभदेव स्वामी जी कहते हैं और ये दूसरे पात्र हैं जिनको कि हम राजकुमार श्री श्रेयांश कुमार जी कहते हैं। श्रेयांश कुमार के परमात्मा दादा थे। आप लोगों को इन दोनों मूर्तियों को देखते हुए एक कल्पना करनी है कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी राज महल में खड़े हुए हैं, परमात्मा के बाएं कंधे पर यह जो वस्त्र है, आपको कह देना चाहता हूं आपने आज तक हजारों नहीं हजारों हजारों प्रतिमाएं देखी होंगी, परंतु किसी भी प्रतिमा पर आप लोगों ने जैन प्रतिमा पर जैन तीर्थंकर की प्रतिमा पर आपने कभी भी वस्त्र नहीं देखा होगा। एकमात्र परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की ही प्रतिमा पर आपने कहीं कहीं पर वस्त्र देखा होगा। ये वस्त्र एक संकेत है कि परमात्मा को दीक्षा के समय इंद्र ने देवदूष्य वस्त्र दिया था और हर एक तीर्थंकर को इंद्र देवदूष्य वस्त्र देता ही है और वो बाएं कंधे पर रखता है। तो आप लोगों को परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की ऐसी ही कल्पना करनी है कि परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी खड़े हुए हैं, राजमहालय है और राजमहालय में परमात्मा पधारे हैं। परमात्मा के अन्य किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा में आपने कभी नहीं देखा होगा, केवल एकमात्र परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की ही प्रतिमा यदि मिलेगी तो आपको ऐसी मिल सकती है कि जिस तरीके से परमात्मा के मस्तक पर बाल हैं, देखिएगा आगे के बाल देखिएगा और इनके पीछे के बाल देखिएगा, ये काले कलूटे घुंघराले बाल हैं। किसी अन्य तीर्थंकर की प्रतिमा पर आप नहीं पाएंगे। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के कंधे के ऊपर हवा से हिलते हुए बाल हैं। एक ऐसी कल्पना कीजिएगा, मैंने गुरु की कृपा से एक छोटे से काव्य पर काम किया है जिस काव्य का नाम है श्री ऋषभ वीरेश स्तव। परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी जी और परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी को लेकर के श्री नंदीसेन महामुनि जी की जो एक रचना है अजित शांति स्तव,
ठीक उसी ही प्रकार के परमात्मा श्री ऋषभ देव स्वामी जी और परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी को लेकर के यह काव्य है। और उस काव्य में इस घटना का कि वो पीछे हवा से हिलते हुए बाल कैसे लग रहे थे, तो वो कहते हैं कि जैसे कि मेरु पर्वत और मेरु पर्वत की चोटी, मेरु पर्वत तो होता ही सोने का है, पीला पीला दिखता है, परमात्मा का शरीर भी बिल्कुल सुवर्ण वर्णी था, मानो मेरु पर्वत, और मेरु पर्वत के चोटी के ऊपर यदि काले काले बाल आ जाएं और वे यदि हवा से इधर उधर घूम रहे हों, तो सचमुच में उसकी शोभा बहुत 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 निराली हो जाती। ठीक परमात्मा को एक मेरु पर्वत के समान समझ करके, सुवर्ण वर्णी समझ करके, काले काले बादल घुंघराले ऐसे काले काले बाल हवा से जिस समय इधर उधर हिल रहे थे, दीक्षा के समय पंच मुष्टि लोच में से चार मुष्टि लोच कर चुके हैं, आगे के मूस दाढ़ी के ये तीन तरफ के बाल उखाड़ चुके हैं और परमात्मा के पीछे के बाल बाकी थे, एक मुट्ठी लोच करनी बाकी थी, उन बालों की स्थिति को देख करके और उन बालों के इधर उधर प्रकंपन के कारण से परमात्मा की देह की शोभा को देख करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि साहब आप श्री जी कृपया, इच्छा है मर्जी आपकी, यदि साहब ये बाल रहने दीजिए तो, और परमात्मा ने रहने दिए। बस उसकी स्मृति स्वरूप आप लोगों को भी यह ख्याल रखना है कि परमात्मा के सिर पर बाल और सिर के ऊपर बाल दीक्षा के बाद में कभी भी किसी भी तीर्थंकर का बाल, नख, मूछ, दाढ़ी बढ़ती ही नहीं है। बस उसके प्रतीक के रूप में आप ये देखेंगे, ये देखेंगे परमात्मा के, परंतु जो पीछे की एक मुट्ठी लोच जो बाल बाकी रह गए उनकी जरूर कल्पना करेंगे। राजमहल में परमात्मा पधारे, सभी जन पीछे से आवाज देते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं लेते, परमात्मा कुछ नहीं लेते, परमात्मा कुछ नहीं लेते। हम इतनी इतनी चीजों का आग्रह करते हैं, इतनी इतनी चीजों का आग्रह कर भी चुके, परंतु परमात्मा कुछ लेते ही नहीं। आते हैं, द्वार पर खड़े रहते हैं, परमात्मा देखते हैं, पता नहीं परमात्मा को क्या चाहिए, दी जाने वाली चीजों को देख करके परमात्मा वापस लौट जाते हैं। परमात्मा कुछ नहीं लेते, परमात्मा कुछ नहीं लेते, परमात्मा कुछ नहीं लेते। परमात्मा हस्तिनापुर नगरी में पधारे, एक बार याद रखिएगा, दो स्थान प्रमुख हैं परमात्मा के। हस्तिनापुर जहां पर परमात्मा ने पारणा किया था, दूसरा स्थान है पालीताना। पालीताना इसलिए कि आदिनाथ स्वामी जी ने सबसे ज्यादा साधना, आत्म साधना, कर्म क्षय की साधना, आत्मा में रमण की साधना, कायोत्सर्ग की साधना, काया को वोसिरा करके मात्र आत्म भाव में रमण और स्थिर रहने की साधना परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ने यदि सबसे ज्यादा समय तक कहीं पर की हो तो वह स्थान है पालीताना। इसीलिए पारने के प्रमुख स्थान दो, एक तो जहां पर परमात्मा ने पारना किया स्वयं ने, वो नगरी का नाम हस्तिनापुर, और यह दूसरी नगरी जिसका नाम पालीताना, पादलिप्तपुर। और केवल पालीताना नाम से नहीं, जो कि अपनी विशेषताओं के कारण से सैकड़ों सैकड़ों विमलाचल, सिद्धाचल इत्यादि कई कई नामों से जो जाना पहचाना जाता है, वहां पर पारना
किया और करवाया जाता है सामूहिक रूप से। बस दिल से उन दोनों स्थानों को याद करना और उन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान की, जिस स्थान पर आप जाने वाले थे वहां की कल्पना करना, परंतु वहां पर इस रीति से परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी ये देवदूष्य वस्त्र और ये केश को कभी भी भूलना मत। परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी यानी कि श्री ऋषभ देव स्वामी जी की कल्पना में ये दो चीजें प्रमुख हैं, प्रमुख हैं, प्रमुख हैं। तीसरी एक चीज, ये परमात्मा हाथ इसी रीति से रखते हैं, ऐसी मुद्रा नहीं है। ये भी हो सकती है, वैसे एक दूसरी मुद्रा का उल्लेख भी आता है। आप कल्पना कीजिएगा कि परमात्मा हाथ यूं पसारे हुए हैं और ये श्रेयांश कुमार परमात्मा को पारना कराने के लिए तैयार खड़ा है। इसके मित्र ने इसके लिए 108 ऐसे घड़े इक्षु रस से भरवा करके भिजवाए हैं। मित्र मित्र को भिजवाता है और याद रखिएगा, लेन देन की प्रक्रिया यदि आपस में बनी रहती है तो मैत्री प्रेम और पारस्परिक स्नेह बढ़ता रहता है, टिका रहता है, स्थिर बना रहता है। आए होंगे इसके पास में 108 गणे और जैसे ही इसने सुना, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, आता है खिड़की के पास, देखता है, इसने इनको देखा, लोगों की आवाज सुनी और लोगों की आवाज सुनने के बाद कुछ इनको देखते सोच में पड़ गया, ओहो इनके साथ तो मैं रहा हुआ हूं, इस जन्म में तो ठीक, पिछले जन्मों में मैं रहा हुआ हूं, ये राजा थे, मैं सारथी था, इन्होंने भी दीक्षा ली थी और मैंने भी दीक्षा ली थी, हो इनके विषय में एक केवल ज्ञानी, एक तीर्थंकर की आत्मा ने घोषणा की थी कि यह आत्मा तीर्थंकर बनेगा। बस ये तीर्थंकर बनने वाले हैं। इस समय इनको कैसे वोहराना कोई जानता नहीं है, चलो मुझको कैसे वोहराना चाहिए, मुझे जो ज्ञान से पता लगा है, जाति स्मरण ज्ञान से पता लगा है, वो मैं वैसा करूं। बस ये एक कल्पना आप इन दोनों के सामने, इन दोनों को अपने सामने रखते हुए जरूर कीजिएगा और आगे की कहानी क्या होता है क्या नहीं मैं अवश्य में समय रहते आपको जल्दी से जल्दी सुनाऊंगा। अभी इतना ही।